हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। दोस्तों अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए लर्निंग प्रोग्राइव के नाम से, वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लर्निंग प्रोग्राइव के नाम से, और स्नैपचैट पे भी। इन सब का लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, लेफ्ट से निकालो मैडम, मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग दीपाली। कौन सा डे है आज दीपाली जी आपका? 10th। ओके, कितना कॉन्फिडेंस आ गया अप्रॉक्स आपको कार सीखने में? 70%। गुड, वेरी गुड। अगर 10 डेज में 70% आ गया तो बेटर है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो, इससे अब निकाल लो फटाफट बढ़ा के, जल्दी से स्पीड बढ़ा के निकालो दूसरी कार आने से पहले। जब भी किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो हॉर्न देते हुए और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के, ताकि सामने वाली गाड़ी आने से पहले हम निकल जाएं, क्योंकि अगर आप स्लो में ओवरटेक करोगे तो वहाँ पर दिक्कत होगी फिर आपको। अब ब्लाइंड टर्न आ रहा है सामने, तो पहले से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो। टर्निंग से 10 to 20 meters पहले आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे आ जाना चाहिए। हल्का राइट रखो, राइट राइट दबाओ, राइट हाँ राइट दबाओ, बस लेफ्ट आओ। अब मैंने क्यों बोला बार बार राइट, क्योंकि लेफ्ट की तरफ ऑप्शन नहीं था और आप बार बार लेफ्ट ही दबा रही थी गाड़ी। आप ट्रैक्टर को देख के डर रही थी, आप ट्रैक्टर को देख के डर, आप क्या सभी स्टूडेंट डरते हैं? तो हमेशा हमें लेफ्ट वाले को बचाना, राइट वाले के पास ऑप्शन था, उसके पास स्टेयरिंग है, ब्रेक है, वो लेफ्ट और राइट अपनी गाड़ी दबा सकता है, पर लेफ्ट में जो गाड़ी प्रॉपरली खड़ी है उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी पे हमें लेफ्ट वाले को बचाना होता है, और 90% नए लोग क्या करते हैं, राइट वाले को बचाते हैं, लेफ्ट वाले को भिड़ाते हैं। दीपाली जी आपका लेफ्ट हैंड थोड़ा सा रॉन्ग साइड रहता है हमेशा, इसको ध्यान दीजिए, इस पर थोड़ा वर्क करिए। ये जो बार बार आपका गलत डायरेक्शन में हाथ जाता है ना, इस पर थोड़ा सा वर्क करिए, है ना। अगर आप इस पर वर्क करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत आएगी। बाकी आप चलाती बहुत अच्छा है, नो डाउट, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। इन 3 दिनों में आपने अपनी कार चलाई कितनी बार निकाली? हाँ जी, एक बार चलाई थी। कितनी देर चलाई? 40 मिनट्स की तरह, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक है, गियरलेस गाड़ी है, क्लचलेस गाड़ी है, तो उसको चलाना तो बहुत आसान है। लेकिन गियरलेस गाड़ी चलाने के लिए भी गाड़ी का जजमेंट होना जरूरी है, सिर्फ उसमें क्लच और गियर नहीं है, मतलब वन टाइम गियर लगता है, बट गाड़ी की लंबाई चौड़ाई टर्निंग पॉइंट ब्रेक और एक्सेलेटर और सिग्नल, ये सारी चीजें तो है ना। हल्का लेफ्ट आ जाओ, चलो, तो उसके लिए तो हमें अलर्ट रहना पड़ता है ना, पहले से प्लान करना होता है। अब ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, कई बार अचानक गाड़ियां निकल आ जाती है। चलो स्पीड मेंटेन करो। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने अच्छे से आपने गियर लगाया, अभी देखो आपने प्रॉपरली क्लच दबाया, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, गियर को बहुत लाइटली पकड़ा, राइट वाला हाथ आपका 12 o'clock पे प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना 36 के 36 गुड़, समझ रहे। तो यहाँ पे सारी चीजें 1 by 1 करी आपने प्रॉपरली, कोई भी मिस्टेक नहीं हुई। तो अगर हम प्लान करके किसी चीज को करते हैं ना, तो वो चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। अपना लेफ्ट ही रखिएगा, ज्यादा राइट नहीं, आगे एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, वहां से हमें टर्न करना है लेफ्ट। हाँ, अभी हल्का सा ब्रेक ले लो ताकि गाड़ी झटके से ना रिलीज हो। राइट वाला हाथ आपका 12 o'clock पे, लेफ्ट वाला आपका, अब राइट वाला पैर ब्रेक पे आ जाएगा और अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करते हुए लेफ्ट टर्न करना है। चलो धीरे धीरे लेफ्ट टर्न करो, गुड। ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत गजब का टर्न किया आपने। अभी देखो यहाँ पे ना लेफ्ट साइड में काफी सारे गेट हैं, सोसाइटी है ना, तो गेट गाड़ियां निकलती, तो यहाँ पे अलर्ट रहना है। ये मानस सिटी का गेट नंबर 1 है। अभी स्पीड मेंटेन करिए, क्लच दबा के थर्ड गियर डालिए मिड में। इस बार आपका दीपाली जी लेफ्ट वाला जो लैक है वो डेड पैंडल पे फंस गया था थोड़ा सा, पता चला आपको? लॉन्ग हॉर्न पुश करो मैडम को, क्योंकि इन सब डोर से ना कई बार गेट से गाड़ियां आ जाती हैं,
तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जितना आप अलर्ट रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। ब्लाइंड टर्न है, गाड़ी लेफ्ट वाली ही लाइन में रखो। कभी भी कोई भी बड़ी गाड़ी सामने से आ सकती है, तो ऐसे अंधे मोड़ पे हमें अलर्ट रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है। अभी स्पीड मेंटेन कर लो, क्योंकि थर्ड गियर की दीपाली जी जो स्पीड होती है वो मिनिमम 30 होती है, मैक्सिमम 40 होती है। आप बिना एक्सेलेटर 20 तक मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 20 तक जा रही है और आप एक्सेलेटर नहीं ले रहे हैं तो गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा। इस चीज हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोगों के माइंड में एक डाउट होता है कि 30 डाउन जा रही तो गाड़ी का इंजन बुझ जाएगा, पर बुझेगा नहीं, है ना, 20 तक मेंटेन रहता है। अभी स्पीड बढ़ाइए और फोर्थ गियर डालिए फटाफट जल्दी से। वाह वेरी गुड। छोड़ो, मैंने फोर्थ क्यों डलवाया, ताकि थर्ड से फोर्थ से थर्ड में आपको प्रैक्टिस हो जाए। अभी टी पॉइंट आ रहा है, वहां पे आपको सेकंड गियर में गाड़ी को टर्न करना राइट साइड, नैरो लाइन है। अभी क्लच को नहीं छोड़ना है, हाँ अभी छोड़ना ही नहीं है क्लच, हल्का राइट रखो बस। चलो अभी गियर डाउन करो, सेकंड करो। अब वेरी गुड। अब देखो एक ही बार क्लच दबाने से दो बार आपने गियर बदल दिया, फोर्थ से थर्ड में आई, थर्ड से सेकंड में आई। अब यहाँ पे नैरो लाइन है, देख रहे हो, यहाँ अगर सामने से कोई आ गया तो फंस जाओगे आप, है ना। इसलिए मैंने बोला था यहाँ आपकी कार की स्पीड 20 माइनस होनी चाहिए, जो कि आपने 10 की स्पीड में गाड़ी को टर्न किया है ना। ये चीजें अगर आप ऐसे पहले से प्लान करती हो ना दीपाली जी, तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी यहाँ लेफ्ट चलना है, टर्निंग से 20 मीटर पहले ब्रेक पे पैर आ जाए और 20% आप ब्रेक दबा सकती है, ताकि आपकी गाड़ी की स्पीड डाउन हो जाए, ताकि आपकी गाड़ी की स्पीड डाउन हो जाए। अब यहां से हमें राइट जाना है, क्लच और ब्रेक पे पैर रख के बहुत लाइटली हल्का लेफ्ट दबा के राइट। हाँ स्पीड कम करो, जाने दो धीरे धीरे। हाँ चलो अभी स्पीड मेंटेन कर लो, आप रास्ता क्लियर है। आप पहले स्पीड मेंटेन करो, 30 क्रॉस करो, फिर थर्ड गियर डालना, पहले 30 स्पीड जब क्रॉस हो जाए फिर राइट वाला पैर ब्रेक पे लाना है। स्पीड क्रॉस करो 30, हाँ अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, राइट वाला हाँ 12 o'clock पे लाओ, क्लच दबा के मिड में थर्ड गियर डालो। अब वेरी गुड, अब छोड़ दो फटाफट। थर्ड गियर सेकंड गियर में फोर्थ गियर में आप क्लच को 2 सेकंड में रिलीज कर सकती हैं। अब ब्रेक पे पैर ले आओ, इसको पासिंग भी कर दो एक बार ऊपर को। वेरी गुड, ब्रेक पे पैर लिया है, हल्का सा ब्रेक ले लो। चलो वापस निकलो, देखो दोनों गाड़ी निकल गई। पासिंग डिपर आपको 100 मीटर पहले देना होता है, फिर ब्रेक पे पैर रखो। जब किसी गाड़ी को हम पास देते तो ब्रेक ले लेते हैं हल्का सा, जब किसी गाड़ी को ओवरटेक करते तो एक्सेलेटर ले लेते हैं, ताकि फटाफट हम निकल जाएं। ये सिंगल रोड है, इन सब रोडों पे चलाना टफ होता है, डिवाइडर रोड पे चलाना आसान होता है, ठीक है। जाने दो धीरे धीरे। हाँ अब सामने देखो बाइक आ रही है और आगे थोड़ा सा डाइवर्जन है, बहुत नैरो लाइन है। जैसे यहाँ पे देखो रोड की चौड़ाई ज्यादा है, वहां पे थोड़ा सा रोड पतला है, 8 फीट का ही रोड है, 8 से 10 फीट। तो वहां पे अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाती फोर व्हीलर तो हमें दिक्कत हो जाती है। अभी क्लच रिलीज नहीं करना है क्योंकि आपने थर्ड गियर से सेकंड किया, बट स्पीड भी डाउन होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते, क्लच दबा के गियर चेंज करते, सडन क्लच को रिलीज करते और गाड़ी झटके मार लेती है, है ना। अब यहाँ पे देखो पोल है और सामने, अब अगर सामने से कोई फोर व्हीलर आ जाएगी तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, अगर ट्रेन नहीं है, क्योंकि एकदम सटा के गाड़ी आपको निकालनी। हालांकि दो गाड़ियां यहाँ निकल जाएंगी अगर दोनों लोग ट्रेन हैं तो, लेफ्ट सटा के। अगर सामने से मान लो एक फॉर्च्यूनर आ जाए और इधर से एक गाड़ी आ जाए तो नहीं निकल पाएगी, अगर दो छोटी गाड़ी हैचबैक है तो आराम से निकल जाएंगी। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आप प्लान करके रखोगे तो शायद मुझे लगता है कि जल्दी चीजों को समझ जाओगे और कंट्रोल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।